बिलासपुर कहलूर खेल परिसर में 9 नवंबर से तीसरे राज्य स्तरीय मास्टर्स गेम्स आयोजित होंगे। राज्य भर से करीब 1000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस बार एथलेटिक्स की सभी प्रतियोगिताएं लुहानु मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ट्रैक पर आयोजित होंगे, जबकि अन्य प्रतियोगिताएं विभिन्न खेल मैदानों में होंगी। वही इस चैंपियनशिप को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव विनोद कुमार व आयोजन सचिव तेजस्वी शर्मा सहित संघ के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। मैं तेजस्वी शर्मा, राज्य मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन के महासचिव होने के नाते भी आपका स्वागत करता हूं। महासचिव और इस चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुझे नियुक्त किया गया है। आज मास्टर्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सम्मानित महासचिव श्री विनोद कुमार जी उपस्थित हैं। मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन के भी सम्मानित अध्यक्ष हैं, ही विराजमान हैं। और विनोद जी और अजय जी की तरफ से भी मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। बिलासपुर में मैक्सिमम जितने भी ग्राउंड्स हैं उन सब में ये प्रतियोगिता होगी, जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राज्य अध्यक्ष हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। पूरी रूपरेखा विनोद जी देंगे। मैं आपका परिचय, वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, वैसे बिलासपुर जिला स्तरीय है उसमें हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेश नड्डा जी ऑर्गेनाइजर रहे हैं, और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए, तो इनका भी आप सबका अभिवादन करता हूँ। और आपका समय जाया न करते हुए अब मैं अनुरोध करूँगा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो भी रूपरेखा है उसे आप। विनोद कुमार ने बताया कि मास्टर्स गेम्स का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखना है, जिसके लिए मास्टर्स गेम्स प्रयासरत है। एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स में मेडल जीत के आए हैं, इन्हें एक नया मंच मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग कर सकते हैं। आयु की कोई सीमा नहीं, 30 वर्ष से लेकर के आजीवन लोगों को खेलने के लिए प्लेटफॉर्म मिला है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आपको प्रतियोगिता में भाग लेकर के आप मेडल लेकर के और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। जब लोग बजाय हॉस्पिटल के ग्राउंड का रुख करेंगे तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। वही आयोजन सचिव तेजस्वी शर्मा ने बताया कि इन खेलों की मेजबानी करने का मौका पहली बार बिलासपुर जिले को मिला है, लिहाजा बिलासपुर जिले में सभी खेल संगठन, सामाजिक संगठन, व्यापारी वर्ग व सरकारी तंत्र भी अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 3 दिन तक बिलासपुर में चलने वाले इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खान पान की बेहतर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन का तीसरा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो बिलासपुर में होने निश्चित हुई है 9 तारीख से 11 नवम्बर 2019 तक आप सभी इस प्रतियोगिता में आमंत्रित हैं। खास तौर पर मैं बिलासपुर के तमाम आवाम से ये आह्वान करूंगा कि क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा इवेंट है, मेगा इवेंट है, आप सभी अगर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और यहाँ पर हर उम्र के और उम्र दराज व्यक्तियों को भी यहाँ पर बड़ी दृढ़ता के साथ खेलते हुए देखेंगे तो आप आनंद भी लेंगे और आने वाले समय में एक प्रोत्साहन के रूप में मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश आपकी आभारी रहेगी। बता दें कि मास्टर्स गेम्स में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी। प्रदेश के सभी जिलों से अपने समय के चैंपियन रह चुके 60 साल से ऊपर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इन खेलों में भाग लेंगे। बिलासपुर के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 9 से 11 नवंबर तक राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इन गेम्स में एथलेटिक, आर्चरी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, शूटिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग आदि, टेबल टेनिस आदि प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी खिलाड़ी जो पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये तीन दिवसीय जो प्रतियोगिता है इसमें मुख्य आकर्षण 60 वर्ष की
आयु की ऊपर की महिलाएं, महिला की जो दो हॉकी की टीम है जो सोलन से यहाँ पे एक नया अनुभव देने के लिए आ रही है, सब लोगों को जान के हैरानी होगी कि 60+ की महिलाएं भी हॉकी खेल पाएंगी, ये देखना एक बहुत बड़ी बात है। ये आप देखेंगे यहाँ पे उनको हॉकी खेलते हुए, और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है मास्टर गेम्स का चलन मास्टर गेम फेडरेशन के माध्यम से किया गया है, और इसी कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश में ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी 9 तारीख को सुबह 11 बजे करेंगे, और समापन समारोह में संभवतः हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह जी जो है वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे।